निकाल दिया बाहर।
कहा मुआविया चाहता है कि इस हल्ले के जरिए मोहब्बत अली जो हमारे दिल में है उसे निकालना चाहता है कि हरगिज़ मोहब्बत अली को खरीदा नहीं जा सकता। मोहब्बत अली को हम कितनी भी कीमत पे हम अपने दिलों से हरगिज़ नहीं निकाल सकते। अय्यूब निगरानी अबू अस्वद दुवैली से मुआविया कहता है, अय अबू अस्वद दुवैली अगर मैं तुझे जो गरीब है फकीर है हुकूमत का कोई हुकूमत छोटी सी हुकूमत मैं तुझे दे दूँ तो क्या करेगा? अबू अस्वद दुवैली कहते हैं मैं सारे लोगों को उस जगह पे जमा करूँगा, कहूँगा कि वो अली बेहतर है या वो मुआविया जिसको रसूल खुदा ने आज़ाद कर दिया गुलामों में से है रसूल खुदा की उसकी हुकूमत बेहतर है तुम्हारे लिए वो अली की जो कायनात का मालिक और मुख्तार है जो आदिल और आयत है अपने रियायत के साथ। ऐसा निगरानी अमरयास किस कदर धोखेबाज था आप जानते हैं कि इमाम अली आप सीरियल देखे होंगे तो जानते हैं कि जब मौलाए कायनात की तलवार चमकी तो ये मौलाए कायनात से बचने के लिए बहुत बड़ा धोखेबाज था, पूरे कपड़े उतार दिया था, नंगा हो गया था। जैसे अली ने तलवार उठाई नंगा है अपने आंखों को मोड़ लिया यानी वो बच गया। मुआविया हमेशा उसका मजाक उड़ाता था कहते हुए अपनी शर्मगाह की वजह से अली के तलवार से बच गया वरना वासिले जहन्नम हो जाता था। यानी कितना बड़ा धोखेबाज अमरयास है कि जब उसने कितनी बड़ी चाली की है मालिक अश्तर को जहर दे के शहीद करने में मुआविया के साथ शामिल था कि इसने मोहम्मद इब्ने अबी बकर को जो खुद अबू बकर का बेटा था मोहम्मद मौलाए कायनात ने उसको पाला कि उन्हें भी शहीद किया अमरयास ने कि जब वो बीमार हुआ बिस्तर पे पड़ गया कितने के साल नहीं गुजरे। यानी जो मुकाबले में आता है अहले बैत के ज़्यादा रोज नहीं गुजरते हैं वासिले जहन्नम हो जाता है बिस्तर पर पड़ गया अपने बच्चों को जमा किया जमा करके सवाल करने लगा ये बताओ मैं किस तरह का आदमी हूँ। अपने बच्चों से सवाल किया कहा आप तो भैया बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे लिए घरों को जमा किया हमारे लिए कारोबार दिया हमारे लिए सब कुछ उठाया जहमत किया। तो उसने कहा तुम मेरे लिए एक काम करो तुम मेरे अच्छे औलाद हो इत्फा अन्नी अल मौता ये जो मौत आ रही है मौत को मुझसे दूर करो। औलाद ने कहा हम इसमें कादिर नहीं है हम इसमें कुदरत नहीं रखते। तो अमरयास का जुमला है ऐसा निगरानी अमरयास का जुमला है कहने लगा रहमल्लाहु अली इब्ने अबी तालिब खुदा रहमत करे अली के ऊपर कफा बिल अजल हारिस कहा कि कोई भी मौत से नहीं बच सकता। अली ने कहा था चाहे तुम दुनिया में किस तरह भी गुजरो हमने हजार काम अली के खिलाफ किए लेकिन अली कहते रहे आया अमरयास तुम मौत से नहीं बच सकता चाहे कुछ भी कर लेगा याद मैं दुनिया से जा रहा हूँ अली की बात मुझे याद है अली कामयाब रहा उस हमारे जुल्म सितम के बावजूद आज हम इतनी हुकूमतें के बावजूद हम नाखिस रहे हम दुनिया से जा रहे हैं तो अफसोस करके जा रहे हैं। तो ऐसा निगरानी हुब्बे अली मुहिमतरीन चीज़ है मौलाए कायनात की शख्सियत को मानना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा निगरानी चौथी चीज़ कि आप देखिए उमर साद कितने साल हुकूमत किया कुछ नहीं हुकूमत नहीं मिला जो इमाम हुसैन को कत्ल करने आया था। कहा इमाम हुसैन ने जुमला कहा था उमर साद तू जो हुकूमत रहे की ख्वाबें देख रहा है ये ख्वाब ख्वाब रहेगी तू हुकूमत नहीं तक नहीं पहुँच पाया। क्या हुआ दो तीन साल के बाद छुपता रहा मुख्तार ने उसे वासिल जहन्नम किया कितने साल ना हुकूमत मिली वासिल जहन्नम। ऐसा निगरानी चौथी चीज़ इमाम फरमाते हैं कि इमरातुन तखरुजु मिन बैतहा बगैर ज़रूरत फहिया वामतुन सवा कि वो औरत जो अपने घर से शौहर के बगैर इजाज़त के घर से निकलती है वो और कनीज दोनों बराबर है। यानी इमाम खुद बयान कर रहे हैं इमाम कह रहे हैं मौलाए कायनात कि अगर कोई औरत बगैर ज़रूरत के शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकले वो और कनीज दोनों की दोनों बराबर है कनीज की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसा निगरानी बड़ा मशहूर वाकया है इताअत शौहर कितना मुहिम है ज़िंदगी में कि रसूल खुदा के ज़माने में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बयान फरमाते हैं कि अंसार में से एक शख्स जब किसी काम से दूर जा रहा था शहर से दूर जा रहा था अपनी जौजा से कहा कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ तुम घर से बाहर नहीं निकलना।
तुम्हें इजाजत नहीं है घर से बाहर जाने की। शौहर ने कहा, बीवी ने मान लिया, शौहर चला गया। चंद दिनों के बाद पता चला कि उस बीवी का, उस जौजा का, उस औरत का बाप बीमार है। रसूल खुदा के पास खबर भी दिया, रसूल अल्लाह मेरे शौहर ने मुझसे इस तरह कहा है घर से ना निकलूँ, लेकिन मेरा बाप बीमार है, क्या आपकी इजाज़त है मैं घर से निकलूँ, बाप की इबादत के लिए जाऊँ। रसूल ने कहा, तुम घर से मत निकलो, तुम्हें इजाज़त नहीं है, घर में रहो। फिर चंद दिनों के बाद पता चला उसकी तबीयत और ख़राब हो गई है। फिर रसूल के पास खबर भिजवाई, या रसूल अल्लाह बाप की तबीयत और ख़राब हो गई, क्या इजाज़त है? रसूल ने मना किया, कहा इजाज़त नहीं है, घर में रहो। कि पता चला बाप मर गया, बीमारी की वजह से बाप मर गया। उस औरत ने रसूल के पास बुला भिजवाया कि मेरा बाप मर गया है, क्या इजाज़त है उसके जनाजे में शरीक हूँ, उसके लिए नमाज़ पढ़ूँ? पैगंबर ने फरमाया, कहा इजाज़त नहीं है। वो घर में रही, उसी तरह घर में रही। इताअत कितना मुहिम तरीन चीज़ है। घर में रही, जब उसके बाप को दफना दिया गया, गुस्ल कफन पहनाया, दफनाया गया, पैगंबर ने खबर भिजवाई उस औरत को, अय औरत, खुदांदे आलम ने तेरी इताअत की वजह से तेरे बाप के गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तेरे बाप के कब्र को गुलजार बना दिया है, जन्नत के टुकड़ों में तेरे टुकड़ा बना दिया है। यानी आप खुद गौर करें, अगर वो औरत चली जाती है रसूल खुदा के हुक्म के खिलाफ क्या होता? यानी एक नाफरमानी की, अल्लाह की लानत बरसेगी जब तक वो घर वापस ना आती, बाप को कहीं मगफिरत नहीं मिलती, क्योंकि हुक्म यानी शौहर के हुक्म के खिलाफ जा रही है। लेकिन उसने इताअत किया, रसूल ने खुदांदे आलम ने किस तरह का अजर सवाब दिया है, अजर जजा दिया है कि उसके बाप के गुनाहों को माफ़ करे। यानी इताअत बहुत ही मुहिम तरीन चीज़ है इंसान के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, पाँचवीं चीज़, इमाम फरमाते हैं, गनीयुन ला यंतफ़ेउ बिमालिही फ़हुवा वाजिरुहु सवाब, कि वो दौलतमंद जो अपने पैसों का सही इस्तेमाल ना करे, वो और कर्ज़दार दोनों बराबर हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत सारे दौलतमंद दुनिया में इस तरह गुजरे हैं, दौलत ने जमा किया है, खर्च नहीं कर पाए। बहुत वक्त तो ऐसा होता है, इंसान जमा करने में लग जाता है, खर्च करना भूल जाता है, वक्त ऐसा आता है। यानी यही मेरी ग्रामीण रिवायत है, बहुत सारे लोगों ने दौलत जमा किया, मेहनत की, खर्च नहीं कर पाए, मर गए, अल्लाह ने उन्हें जहन्नम में दाखिल किया, औलाद ने उनके पैसे को राह खुदा में खर्च किया, ये लोग उस पैसे की वजह से जन्नत में चले गए। यानी जिसने कमाया, मेहनत किया, उसके उन्हें जन्नत नहीं पा सका उस दौलत के ज़रिए, वो उसका हिसाब देने पे लग गया, हिसाब देने लगा कि कितना कमाया है, कहाँ खर्च किया है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, उसने दौलत छोड़ के गया, लेकिन औलाद अच्छी थी, उन्होंने राह खुदा में खर्च किया, जन्नत को उसके अवज़ खरीदा। ऐसा नहीं रामी, और बातें बहुत सी है, आवाज़ भी बैठ गई है अभी से, तो लिहाजा ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, मजलिस भी है, जहमतों को तमाम कर रहा हूँ। खुदा हमें इन मजलिसों में आने का अजर सवाब दे, खुदा हमारी नस्ल दर नस्ल सिलसिला हमारा इसी तरह हमें सैयद शहदा में गुजरे। ऐज़ान गिरान, जहमतों को तमाम की अर्ज़ कर रहा था, इमाम मज़लूम जब करबला में वारिद हुए, करबला में आए, पहले ज़मीन को ख़रीदा, कहते हैं दो शर्तों के अवज़ ज़मीन को दोबारा हैबा किया, कहते हैं इमाम ने दोबारा उन्हें वापस लौटा दिया। कहने लगे बनी असद के कबीले वालों कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, हमारे कब्रें यहाँ बनेगी, मैं तुम्हें दो शर्तों के अवज़ दे रहा हूँ, एक अगर कोई हमारा ज़ायर हमारी ज़ियारत के लिए आए तो वो तीन दिन मेहमान रखना। इमाम कितना हमारा ख्याल कर रहे हैं अपने चाहने वालों का, कह रहे हैं कि जो भी ज़ायर हमारा आएगा उसका एहतराम करना, उसे मेहमान बना के रखना। कि दूसरी शर्त यह है कि जब हमें शहीद कर दिया जाए, हमारे खेमे लूट लिया जाए, हमारे जनाजे जलती रोटी पर पड़े रहे, तो तमाम लश्कर के चले जाने के बाद आना, हमारे जनाजों को दफना देना। आज़ादार इमाम ने वादा लिया, कहते हैं तुम चले जाओ, तुम्हारी औरतों को भेजो। आज़ादार औरतें बनी असद की कबीले की औरतें दौड़ते हुए आती है, फातिमा के बेटे ने हमें याद किया है, अली और फातिमा के नूर नजर ने हमें याद किया है,
आती है इमाम फरमाते हैं बनी असद के कबीले की औरतों, अगर तुम्हारे शौहर लश्कर से डर के ना आए हमारी जनाजे दफनाने के लिए, फरात के किनारे पानी भरने के बहाने से आला, एक मुट्ठी बैग हमारे जनाजे पे डाल के चले जाना। अल्लाह इमाम फरमाते हैं औरतों जाओ अपने बच्चों को भेजो। हमारे आखिरत बखैर फरमा, हमारे दौर में ताजील फरमा, हम सबको के आवान और अंसार में शुमार मातम।